हेलो स्टूडेंट्स, सिलेबस की बात करते हैं हम लोग। तो सिलेबस में देखिए, मैंने ए और बी किया हुआ है यहाँ पे। तो ए में क्या है, ए में जो भी 8 मार्क्स और 10 मार्क्स के हैं, तो आईपीसी हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, सीपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फैमिली लॉ, तो ये क्या है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ये आपके लिए। तो ये आपको पहले प्रायोरिटी देना है क्योंकि ये कवर कर रहा है 62 मार्क्स। तो ये सबसे पहले स्टार्ट कर दे आप, क्योंकि एक महीना ही लगभग टाइम बचा है और ये आपके लिए बहुत ज़रूरी टॉपिक है। डिटेल में भी हम बात करेंगे, पर अभी सिलेबस और केसेस डिस्कस करेंगे आपके लिए। तो ये सब पे ज़्यादा फोकस करें, ऐसे ही डिफ्रेंशिएट कर लें, पहले यहाँ से स्टार्ट करें, ऐसे से पढ़ना है। उसके बाद जो छोटे छोटे मार्क्स हैं, तो लॉ ऑफ टॉर्स का 5 है 4 है और 2, ये 3 3 मार्क्स के हैं, 4 के हैं, 2 2 के हैं। तो ऐसा नहीं है कि इन सब से क्वेश्चन आपको नहीं आएगा, आएगा। सिलेबस ऑनलाइन अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। ये मैं रफ आइडिया मैंने लिया है, ऐसे भी आपको समझ आ रहा होगा कि ये कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। तो ये सबको आपको पढ़ना है, बट फर्स्ट प्रायोरिटी आपके लिए ये होगा। आपने ये भी अगर एक महीना पहले से पढ़ना स्टार्ट कर दिया और बाय चांस कभी ट्रिकी क्वेश्चन आ जाते हैं 1 2 मार्क्स वाले, जो पता ही नहीं होता है, और बहुत सारे नोट्स है, डिफ़िकल्ट होता है, इसका बेयर एक्ट भी नहीं है, बुक भी नहीं है, तो ये सब चीज़ें आप बाद में पढ़े, ऑनलाइन पढ़ ले तो भी चलेगा, बट सबसे पहले ये सब का बेयर एक्ट अवेलेबल है। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये सिलेबस आप देख ले, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ी देर रख दे रही हूँ, ये भी देख ले। अब बात करते हैं केसेस की। तो केसेस बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो केसेस के लिए कैसे प्रिपेयर करें। तो प्रिपरेशन होप आपने स्टार्ट अभी नहीं किया होगा, मैं तो यकीन से कह सकती हूँ कि बहुत लोग प्रिपरेशन अभी नहीं करते हैं, सोचते हैं कि यूट्यूब में देखेंगे वीडियो 2 हफ्ता पहले, हाउ टू क्लियर एग्ज़ाम इन 2 वीक्स। तो वैसा मत करिएगा, फेल इसमें भी होते हैं, ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम फेल हो जाइएगा आप लोग, ऐसा नहीं कि नहीं होते फेल, ओपन बुक है। तो इसीलिए सबसे पहले 10 ईयर्स के जो केसेस हैं AIB क्वेश्चन पेपर के, वो सब एक नोट्स बना लीजिए, बस केसेस, ठीक है। उसके बाद न्यूज़पेपर में लॉ से रिलेटेड क्या क्या है, न्यू केसेस बहुत सारे, ड्रग्स पे हैं, इन्वायरमेंट पे है, ठीक है। न्यू लॉज कौन से बने हैं जिसमें केसेस को फिर से उन्हें डिसीजन चेंज हुआ, या कौन सा लॉ चेंज हुआ, सुप्रीम कोर्ट का कौन सा रूल्स आया, ये सब भी देखना। डिफ़िकल्ट लग रहा है कि अरे इतना क्यों प्रिपरेशन करना, बट यू हैव टू। और रिसेंट में कौन से केस है, मोस्ट रिसेंट केस, हर चीज़ से रिलेटेड, IPC, CRPC, इन्वायरमेंट, और इन्वायरमेंट का 2 3 रिपीट वाला क्वेश्चन होता है, केसेस होता है, तो वो सब ध्यान से रख पढ़ ले आप लोग। सॉल्व क्वेश्चन पेपर 10 साल का सॉल्व आप केस लॉज वाले ही करेंगे, तो आपका वो ऑटोमेटिकली रिपीट हो जाएगा, क्वेश्चन पेपर पूरा हो जाएगा, आपको ईजी होगा सॉल्व करने में। हैव प्लान स्टार्ट, मतलब प्लान करना स्टार्ट कर दो कि अब फॉर्म फिलअप करेंगे, फिर एडमिट कार्ड आएगा, ये होगा, तब स्टार्ट करेंगे, तो गाइज आपको बहुत देर हो जाएगा। और मेन टाइम में सिलेबस बहुत ज़्यादा है, टाइम कम होता है, टाइम 1 महीना है, आप प्लान करोगे तो ही आपको ठीक तरह से आप हो पाओगे, नहीं तो कमेंट बॉक्स में आके 10,000 क्वेश्चन पूछना कि मैम ऐसे कैसे वैसे पास करें। तो अभी से प्लान करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए पढ़ने के लिए। स्टडी हार्ड प्लस स्मार्ट, तो उसके लिए क्या करेंगे, हार्ड में आपको क्या करना है, बेयर एक्ट, यहाँ पे है ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो आप बेयर एक्ट विदाउट नोट्स वाले लेके जाएंगे उसको आपको बहुत अच्छे से टॉपिक देख के पढ़ना है, ताकि आपको पता हो कि ये मेरा बेयर एक्ट है। एग्ज़ाम में कुछ मुझे नहीं पता तो मैं खोल के देखूँ तो ब्लैंक ना फील करूँ, मुझे पता हो कि चलो पेज नंबर यहाँ है, अच्छा यहाँ पे ये लिखा है, चलो ठीक है मैंने पढ़ लिया। आप पुराने वीडियोस मेरे लास्ट ईयर को देखोगे तो आपको पता चल जाएगा स्टडी कैसे करना है, ये मैं बस शॉर्ट में बना रही हूँ। और जब आपका बेयर एक्ट से कम्प्लीट हो जाए तब आप क्या करना, ऑनलाइन नोट्स प्रेफर, नोट्स देखना। ऑनलाइन भी बहुत सारे वेबसाइट है जो इजी नोट्स अप्लाई करते हैं,